बकरी चोरी करने वाले चार लोगों को इकौना पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुरू की पुलिसिया कार्रवाई, बकरी भी हुई बरामद। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद से है, जहां पर वसीम अहमद पुत्र इसराइल निवासी चिचड़ी थाना इकौना ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया था कि बकरी चरने को छोड़ी गई थी तथा अगल बगल के लोग भी बकरी चरने के लिए छोड़े थे। दोपहर में बेपच्छी तैयस पुत्र साबिर निवासी बनकसिया थाना ललिया जनपद बलरामपुर हाल पता रोडवेज इकौना थाना इकौना अपने साथी आजम कुरैसी पुत्र मोहम्मद उमर कुरैसी व अकरम कुरैसी पुत्र मोहम्मद उमर कुरैसी वकील कुरैसी पुत्र साबिर निवासी उपरोध के साथ एक बकरी व एक बकरा को चोरी करके उठा ले गए तथा जानकारी होने पर घर पहुंचने पर तैस के पास से ही एक बकरा जो काला सफ़ेद मिलने के संबंध में दाखिल किए गए। इस मामले में इकौना पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। रोडवेज इकौना थाना इकौना से आजम कुरैसी पुत्र मोहम्मद उमर कुरैसी, अकरम कुरैसी पुत्र मोहम्मद उमर कुरैसी, वकील कुरैसी पुत्र साबिर निवासी बनकसिया थाना ललिया बलरामपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन्हें बकरी के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि वीरपुर मार्ग पर अपने गांव के सामने रोड पर चला था, तभी एक चार पहिया वाहन से दोनों बकरियों को लाद कर चोरी किया गया था। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही थी, आखिरकार इनको गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर इकौना पुलिस ने चार बकरी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही बकरी भी बरामद। इस मामले में नामित अभियुक्त तैस पुत्र साबिर निवासी बनकसिया मथुरा थाना ललिया जनपद बलरामपुर से थाना इकौना पर पूछताछ के आधार पर एक बकरी व एक बकरा बरामद किया गया। इसी आधार पर अन्य अभियुक्तों को इकौना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।